हे देयर, वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी अगली बार मैं एक वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइज, थैंक यू सो मच, आपने मेरी पिछली वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया जो कि मैंने करी थी कि आपको एडवोकेट कैसे चूज़ करना चाहिए, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, ड्राफ्टिंग कैसे करनी चाहिए, कि मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं एक और वीडियो डालूं। तो आज हम बात करेंगे कि आपको आर्ग्यूमेंट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपको कोई केस मिला है जिसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स करने हैं तो वो कैसे करना चाहिए, आइए देखते हैं। वो कुछ स्टेप्स में डिवाइडेड है, 3 से 4। उसके बाद हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। पहला स्टेप जो है वो है रीड द पिटिशन कम्प्लीटली। आपको पिटिशन उठाना है और उसका हर एक पेज स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ना है। सबसे बड़ी गलती जो मोस्टली जो लॉयर्स होते हैं वो कमिट करते हैं वो ये करते हैं कि वो सिर्फ लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स पढ़ जाते हैं, जो समरी होती है केस की वो पढ़ लेते हैं, या फिर किसी से पूछ लेते हैं अपने सीनियर से कि केस में क्या है और चले जाते हैं केस आर्ग्यू करने। वैसा नहीं करना है, सारा पिटिशन पढ़ना है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। जो आपने केस बनाया है वो पढ़ना है, जो दूसरी पार्टी ने कोई रिटन स्टेटमेंट दी है, रिजॉइंडर दिया है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो फाइल के अंदर है वो आपको सब कुछ स्टडी करके जाना है। अब एनेक्स्चर्स क्या होते हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं उनको एनेक्स्चर्स बोलते हैं। अगर एनेक्स्चर्स हैं पिटिशन के साथ, मोस्टली हर पिटिशन के साथ होते हैं, उनको अच्छे से पढ़िए। लोग छोड़ जाते हैं उनको कि इसमें क्या रखा है, मैंने पिटिशन पढ़ लिया है, मुझे पता है क्या है। नहीं, कई बार आपको जज पॉइंटेडली पूछ सकते हैं कि इस एनेक्स्चर में ये लिखा हुआ है, आपके पास क्या जवाब है इसका। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो इसलिए एनेक्स्चर्स कम्प्लीटली पढ़कर जाइए, पिटिशन कम्प्लीटली पढ़िए और फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, ये मेरा पॉइंट है, जो मेरा केस का मेन चीज़ है, ये मैं जज को दिखाना चाहता हूँ, वो मार्क कर लीजिए। अब इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्यों मार्क करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जज कहते हैं अच्छा आप ये बोल रहे हो कि केस में ऐसा हुआ है, दिखाइए मुझे कहाँ पर है। तो आप फटाफट से कह सकते हो पेज नंबर दिस एनेक्स्चर ये, या मेरे आपने अपने पिटिशन में कहीं पर ये बोला है, हाँ जी मैंने बोला है, ये देखिए ये पेज नंबर, ये पैराग्राफ, ये लाइन। तो अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क की होंगी तो आपको पता रहेगा। और एक गाइस, मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लॉयर्स जो छोटे बच्चे अभी स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं कि पूरी पिटिशन मार्क कर लेते हैं। ये नहीं करना है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करनी है। जैसे जैसे आप केस पढ़ते रहोगे आपको पता चलता रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। और फ्लैग डालिए, जो पेपर फ्लैग्स होते हैं वो लगाइए जो आपको इम्पॉर्टेंट लगता है कि ये पेज इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप आर्ग्यूमेंट करें आप फट से उस पेज पर जा सकें। रिसर्च, अब आपने पूरा पिटिशन पढ़ लिया है तो अगला स्टेप जो है वो आपका रिसर्च है। बेयर एक्ट उठाइए जो उस केस से रिलेटेड है, उसको पढ़िए, इंडेक्स खोलिए, देखिए कौन से सेक्शंस रिलेट करते हैं आपके केस से, उनको अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। अगर तो आपको नॉर्मल पढ़कर ही समझ में आ गया, बढ़िया बात है, नहीं तो कोई भी कॉमेंट्री, एक्सप्लेनेशन वाली बुक, टेक्स्ट बुक कुछ भी उठाइए और उसको समझने की कोशिश करिए, ताकि वकील का ये फ़र्ज बनता है कि वो जज को लॉ समझा सके। ठीक है, फाइंड रेलेवेंट केस लॉज, मतलब कोई नया केस लॉ आया है या कोई पुराना भी केस लॉ है जो लैंडमार्क जजमेंट है वो ढूंढ के रखिए, उसको पढ़िए अच्छे से। सिर्फ ढूंढना ही आपका काम नहीं, पढ़ के भी जाना है, जज को बताना है कि इसमें क्या है। ठीक है, तो वो तभी होगा अगर आप अच्छे से रीड और उसको भी मार्क करके लेके जाएंगे। और जज की कॉपी लेके जाना मत भूलिएगा, इससे जज को पता चलता है। नोट्स, अब क्या होता है, नॉर्मली बहुत सारे लॉयर्स नोट्स नहीं बनाते हैं, या बनाते भी हैं तो वो बहुत गंदे बनाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नोट्स बनाना ज़रूरी है। डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लीजिए कि केस में क्या क्या हुआ था, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द केस लिखिए, फिर उसके बाद नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, जो पॉइंटर्स हैं। अब कई लोग मैं देखती हूँ कि पूरी स्पीच डाल लिख कर ले जाते हैं, माई लॉर्ड से लेके एंड तक बिल्कुल सब कुछ। ऐसा नहीं करना है, देखिए वहाँ पे आप स्पीच देने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे आप एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप दो साइडों से बात करेंगे, मतलब जज भी बात करेंगे, आप भी बात करेंगे, अगर ऑपोजिट लॉयर है वो भी बात करेंगे, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ये नहीं है कि जज बोलेगा ओके आपको 10 मिनट्स दिए, आप अपना बोलते रहिए, बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछेंगे। तो स्पीच नहीं तैयार करनी है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट्स में लिखी होनी चाहिए। टिप्स फॉर नोट्स, हमेशा स्मॉल सेंटेंसेस लिखिए, पूरी की पूरी स्पीच नहीं लिख के जानी है वहाँ पे।
डोंट राइट. देखिए, आपने पिटिशन पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिया, आपने रिसर्च कर ली अच्छे से, आपका सब कुछ तैयार है. अब अगर आप एक लॉयर हैं जिसने पहले कभी आर्ग्यू नहीं किया या बहुत कम आर्ग्यू किया है, तो प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस कैसे करिए? जो आपके नोट्स आपने बनाए हैं उनको बोलने की कोशिश करिए. आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे वो सोचिए, इमेजिन करिए कि कैसे आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, माई लॉर्ड से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, दैट द डेट ऑफ मैरिज वॉज सो एंड सो, या इट इज़ अ पिटिशन, इट इज़ अ डाइवोर्स पिटिशन, कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो देखिए और मिरर के आगे खड़े होके बोलने की कोशिश करिए. फिर अपने आप को रिकॉर्ड करिए अपने फ़ोन में और देखिए कि आपने क्या गलतियाँ किए हैं. आपको पता चलेगा कि नहीं, ये गलत तरीका है. उससे कुछ चीज़ें होंगी कि आप बोलना चाहते हैं, उसका वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं ये ऐसे कैसे बोलूँ, चाहे वो हिंदी का वर्ड है, चाहे हिंदी में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, चाहे इंग्लिश में हो रहे हैं, ठीक है. आपको अगर इंग्लिश का कोई वर्ड है आपको पता ही चलता कि अगर ये बोलना है तो कैसे बोलूँ, तो हिंदी टू इंग्लिश में आप गूगल पर जाके वो वर्ड ढूंढ सकते हैं. तो आपको ऐसे कैसे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं हम वो देखेंगे. यू आर नॉट गोइंग फॉर अ फाइट. हमें लगता है कि वकालत में हर चीज़ लड़ाई ही लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं होता है. आपको आराम से जज को अपना केस समझाने की कोशिश करनी है. सो बी पोलाइट, आराम से समझाइए, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आप उसके बाद बी ऑडिबल. अब कई लोग होते हैं बड़ा ही आराम से प्यार से बोलते हैं, नहीं, अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची, चिल्लाना भी नहीं है पर इतनी ऊंची आवाज़ में बोलना है कि जज को सुने, पोलाइट भी लगे और चिल्लाना भी नहीं है. कॉन्फिडेंस, अच्छे से ड्रेस डाल कर जाइए. आपकी जो बोलने का तरीका, अंदर चाहे डर लग रहा हो कोई बात नहीं, आपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, कॉन्फिडेंस, ठीक है. वॉकिंग स्टैंडर्ड, हम कई बार हड़बड़ाहट में घबराहट में कुछ गलत करते हैं, नहीं, ठीक है, आराम से. उसके बाद आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय जजेस. जो जजेस पूछ रहे हैं उनका आंसर करिए क्वेश्चंस का. बड़े बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना ही आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं. जो जज साहब पूछ रहे हैं उनको बताते ही नहीं है. अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स में, अपनी वो बातचीत में ये बताने की कोशिश करनी है कि कुछ गलत हुआ आपके क्लाइंट के साथ, उसको देखा जाए, आपको सिंपथी गेन करनी है. अब आर्ग्यूमेंट की स्टार्ट कहाँ से की जाए, इसका मानना ये है कि कई बार होता है हम कहते हैं कि यार मैं पूरा डेट वाइज बताना स्टार्ट कर दूँ. अगर फॉर एग्जांपल मैट्रिमोनियल केस है कि डेट ऑफ मैरिज क्या है, शादी हुई कहाँ पे थी, क्या फिर सीधा बताऊँ कि देखिए इनकी शादी को इतने साल हो गए, ये काम है, डायरेक्ट आ जाऊँ पॉइंट पर या सब कुछ समझाऊँ, मतलब बिगिनिंग बाय टेलिंग ऑल द फैक्ट्स डेट वाइज या टेलिंग द इशू डायरेक्टली. ये अब आपको कैसे पता चलेगा, आइए मैं आपको एक टिप देती हूँ इसके ऊपर. देखिए इसमें दो फार्मूला है, एक तो जज द जज, जो जज साहिबा या साहिबान हैं उनको आप जज करिए बैठ के. अब क्या होता है कि जब हम वकालत स्टार्ट करते हैं तो कुछ ज़्यादा काम यही होता है कि आपके वकील साहब आपको भेज देंगे कि जाइए देख के आइए कि कौन सा केस चल रहा है, हमारा केस कब आएगा. कोई बात नहीं, आप जाइए वहाँ पे, जज को ऑब्जर्व करिए उन टाइम्स में भी, कौन सा जज कैसा है, क्या पूछते हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना. और अगर आपका मान लीजिए केस लगने वाला है और आपको पता ही होता है कि ऐसे वाले केस जो होते हैं, जैसे चेक बाउंस का केस है वो इन जजेस के लगता है, जो मैट्रिमोनियल का डाइवोर्स केस है वो इन जजेस के लगता है, वो आप हमेशा अपने मुंशी से पूछ सकते हैं, उनको पता होता है, तो बैठिए उनकी कोर्ट में जाके और देखिए कि वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस हवाले से सवालात करते हैं वो. Why and when does the judge get angry? अब कई वकील होते हैं वो अपना ही आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, या कई जजेस होते हैं अगर आप पॉइंट की बात नहीं कर रहे हो तो उनको गुस्सा चढ़ जाता है. देखिए और कोशिश कीजिए कि आप उनको गुस्सा ना चढ़ाएं. हाउ वॉज अ लॉयर जिसको रिलीफ दिया जज ने, कैसे उसने कैसे आर्ग्यूमेंट्स जज को लाइक करते हैं, और यहाँ पे ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो वकील साहब आए थे उन्होंने डायरेक्टली स्टार्ट किया. बड़े वकील आते हैं, 5-10 वकीलों को सुन लीजिए कि उन्होंने डायरेक्टली डेट अपना पॉइंट रख दिया या डेट वाइज बताया कौन सा जज को ज़्यादा अच्छा लगा. तो हर जज की एक नेचर होती है, जज तो जज में उस नेचर को स्टडी, उस बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश. बहुत बड़ा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कैसे पता चले कि हमने आर्ग्यूमेंट्स कैसे करने हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. आपको एक बात जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, कोई भी आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा, आपके सीनियर हो कोई भी आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा. तो आर्ग्यूमेंट सीखने का जो बेस्ट तरीका वो यही है कि कोर्ट्स में जाके बैठिए, देखिए कि लॉयर्स कैसे आर्ग्यू कर रहे हैं, कैसे वो अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे वो पॉइंट्स को हैंडल कर रहे हैं जो उनके अगेंस्ट आ रहे हैं. बता भी रहे हैं पर अपने अगेंस्ट भी नहीं लगने दे रहे, डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर उसको कैसे मोल्ड कर रहे हैं वो देखिए. उसके बाद क्या होता है, कई बार हमें कोर्ट एड्रेस करनी होती है और हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं समझ में आता और हम चुप कर जाते हैं, गलत वर्ड यूज कर देते हैं,
तो आप देखिए दूसरे लॉयर्स कैसे एड्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देती हूँ आपको। जब स्टार्टिंग में हम जाते हैं और कभी क्या होता है कि हम जाते हैं, हमारा केस होता है, हम खड़े हो जाते हैं और जज साहब या जो फीमेल या मेल जज जो भी होते हैं वो फटाफट फाइल देखने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं कि फाइल में क्या है, और वो ऊपर मुँह उठा के नहीं देखते हैं, ठीक है ना। और अब आप उनको आपको बताना होता है कि मैं खड़ा हूँ या मैं खड़ी हूँ, तो अब ये तो बोल नहीं सकते हे जज साहब कैसे हो, नहीं बोल सकते, राइट। तो हम बोल देते हैं मे आई प्लीज़ योर लॉर्डशिप, एक तरह से अटेंडेंस लगवा दी हमने कि जी मैं ही हूँ इस केस में, कोई सवालात पूछने हैं तो मेरे से पूछिए, ठीक है ना। तो ये एक कॉमन सी एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं दूसरे लॉयर्स को आर्ग्यू करते हुए तो आपको पता चलता है। और अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं रहेगा तो फटाफट से ना एक छोटा सा नोट पैड या डायरी अपनी पॉकेट में रखिए, निकाल के फटाफट से पेन से लिख लीजिए। गाइज आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख लें, और जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप वो फटाफट से यूज़ करने, एप्लीकेबल करने स्टार्ट कर दें ताकि आपकी वकालत अच्छे से चले। और जो वीडियोस मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप एक नए वकील हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक तो ड्राफ्टिंग पे मैंने वीडियो बनाई थी वो ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक वकील हैं जिसने अभी वकील साहब ढूंढने हैं या साहिबा ढूंढने हैं जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकें तो एडवोकेट कैसे चूज़ करें वो वाली वीडियो देखिएगा। अगर आप एक वकील हैं जिनको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और लॉ स्टूडेंट है अभी या अभी स्टार्ट किया है लॉयर का काम, तो प्लीज़ मेरी कैसे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है वो वाली वीडियो देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द।